हेलो एवरी वन वेलकम टू शिवी स्टडीशिप एंड दिस इज ल्यूसेंट हिस्ट्री इन आप प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मुगल रूलर्स इट्स एम्पायर एंड आफ्टर दैन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू फ्रेश टॉपिक मुगल कल्चर सो इससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें मैं आपको बता दूँ अगर आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब देखने हैं तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सो लेट्स विदा मुगल कल्चर तो सबसे पहले हम इस पे पढ़ेंगे कि जो बाबर था उसने दो मॉस्क्यूज़ बनवाए थे एक तो काबुली बाग पानीपत में और दूसरा कहाँ बनवाया था सांभल में रोहिलखंड का जो पार्ट है ठीक है तो दो मॉस्क्यूज़ बनवाए थे काबुली बाग पानीपत में और दूसरा बनवाया था रोहिलखंड में सांभल में उसके बाद हुमायूं का जो टॉम था वाज बिल्ट बाय हिज विडो हाजी बेगम तो जो उनकी वाइफ थी हाजी बेगम उन्होंने ही मायूं का जो मकबरा है उसको बनवाया था एन अनयूजल बिल्डिंग एट फतेहपुर सीकरी इस पंचमहल एंड द महल हैज द प्लान ऑफ द बुद्धिस्ट विहारा ठीक है तो जो ये बिल्डिंग थी फतेहपुर सीकरी में पंचमहल ठीक है आ, ये किस लिए बनवाई गई थी जो बुद्धिस्ट मतलब जो वो होते थे ना जो बौद्ध धर्म को जो लोग फॉलो करते थे बुद्धिस्ट होते थे उनके रहने के लिए क्योंकि वो लोग आ, कुछ कुछ टाइम के लिए काफ़ी जगह पे रुकते थे तो उनके रहने के लिए ही इस बिल्डिंग को बनवाया गया था उसके बाद हम देखते हैं द मरियम पैलेस और दीवान आम और दीवान खास ये कहाँ पर था ये सीकरी में था और मतलब ये एक काफ़ी अच्छा जो एक प्लान रहा था किसके टाइम पे मुगल कल्चर के टाइम पे काफ़ी प्लान करके इनको बनाया गया था उसके बाद है बुलंद दरवाज़ा ठीक है इसको क्यों बनवाया था गुजरात में विक्ट्री मिली थी इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये मेन एंट्रेंस था फतेहपुर सीकरी के लिए ठीक है गुजरात में जो मिली विक्ट्री थी उसकी खुशी में फतेहपुर सीकरी में एज अ मेन एंट्रेंस इसको बनवाया गया था उसके बाद देखते हैं हम सलीम चिश्ती टॉम ठीक है ये किसने बनवाया था रिटन इन मार्बल बाय जहांगीर तो जहांगीर ने इसको मार्बल के साथ दोबारा से बनवाया था इन द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग इन प्योर मार्बल तो ये पहली मुगल बिल्डिंग थी जो एक प्योर मार्बल की बनी हुई थी पैलेस ऑफ बीरबल और पैलेस ऑफ तानसेन ऑल्सो इन साइड द फतेहपुर सिकरी तो ये जो दोनों पैलेस हैं बीरबल और तानसेन का ये भी आपको फतेहपुर सिकरी में देखने के लिए मिलेगा अकबर ऑल्सो बिगेन टू बिल्ड हिज ओन टरा ठीक है तो अकबर ने अपना खुद का टॉम बनवाया था जो बाद में कंप्लीट किया था जहांगीर ने द आर्किटेक्चर ऑफ फतेहपुर सीकरी इज नोन एज एपिक रेड सेंड स्टोन तो जो आर्किटेक्चर देखा गया है फतेहपुर सीकरी का वो ज्यादातर क्या है किस चीज से बना हुआ red, जो रेड सेंड स्टोन था उससे बनवाया गया था उसके बाद बताया है नूरजहा ने क्या बनवाया था इतमाद उदौला या फिर हम बोल सकते हैं मिर्जा ग्यास बेग मार्बल टॉम यह आगरा में बनवाया था नूरजहा ने नूरजहाँ कौन थी जहांगीर की वाइफ थी विच इज नोटिसबल फॉर द फर्स्ट यूज और पेत्रा ड्यूरा ये जो पेत्र ड्यूरा होता है इसका क्या मतलब होता है कि फ्लोरल डिज़ाइन बनवाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जो सेमी प्रीशियस जो स्टोन होते थे काफ़ी कीमती जो पत्थर होते थे और उससे इस तरह का जो डिज़ाइन था वो बनवाया गया था और पहली बार जो ये डिज़ाइन देखा गया था ये जो इतम उद्दौला का जो टॉम है है ना जो म्यास जो मिर्जा ग्यास बेग थे उनके लिए बनवाया गया था नूर जहाँ के थ्रू तो इसमें पहली बार ये जो टेक्निक थी ये देखी गई थी कि जो फ्लोरल डिजाइन था वो क्रिएट किया गया था किससे जो सेमी प्रीशियस मेटल्स थे आके देखते हैं जो जहांगीर था उसने क्या यूज किया था मार्बल्स को ठीक है उसने बहुत जगह क्योंकि उससे पहले जहांगीर से पहले रेड सैंडस्टोन को यूज किया गया था लेकिन उसके बाद जो जहांगीर था उन्होंने कुछ नया यूज किया वो थे मार्बल ठीक है और मैंने जैसे आपको बताया ही कि जो नूर जहाँ थी वो भी जहांगीर की वाइफ थी तो उन्हीं के टाइम में ये क्या हुआ था जो इस तरह का जो फ्लोरल डिज़ाइन बनवाए जाते थे जो सेमी प्रीशियस स्टोन होता है उस टेक्निक को काफ़ी यूज़ किया गया था एक डेकोरेटिव अपने पर्पज़ के लिए उसकी बात है कि जहांगीर ने और क्या बनवाया था मोती मस्जिद इन लाहौर और क्या बनवाया था शादरा में एक मज, जो होता है मजूलियम होता है उसको बनवाया था मॉस्क्यो बिल्डिंग एक्टिविटी रीच इट्स क्लाइमेक्स इन ताजमहल और सबसे ज्यादा जो बिल्डिंग एक्टिविटी जो कहते हैं कि अपने एक आ, मतलब काफ़ी ज्यादा क्लाइमेक्स में पहुँच गई थी वो कब पहुँची जब ताजमहल को बनवाया गया था और किसने बनवाया था ये शाहजहाँ ने बनवाया था ठीक है और शाहजहाँ ने और क्या बनवाया था जो जामा मस्जिद थी उसको भी शाहजहाँ ने बनवाया था सब ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बाय शाहजहाँ एट आगरा आर मोती मस्जिद तो शाहजहाँ की बहुत ज़्यादा जो फेमस बिल्डिंग्स थी उनमें से एक मोती मस्जिद भी थी और ये प्योरली किसकी बनी हुई थी मार्बल की बनी हुई थी उसके बाद पढ़ेंगे हम खास महल और ये मुसमन बुर्ज ठीक है ये एक जैस्मिन प्लेस था जहाँ पर जो शाहजहां था उसने अपना काफ़ी वक्त बिताया था ठीक है फाउंडेशन ऑफ शाहजहाँ ठीक है तो शाहनाजाबाद को भी किसने बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था 1637 में इसकी फाउंडेशन को मतलब वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था जहाँ पर उन्होंने बाद में रेड फोर्ट भी बनवाया और तख्ते तोस जिससे हम जो पिकॉक थ्रोन था वो भी वहाँ पर रखा गया था जैसे जब बाद में जब नादिर शाह आता है वो अपने साथ ले जाता है लूट के ऑलली बिल्डिंग बाय औरंगजेब इन द रेड फोर्ट इज़ मोती मस्जिद तो औरंगजेब ने रेड फोर्ट के अंदर एक ही बिल्डिंग बनवाई थी जिसका नाम है मोती मस्जिद। का मकबरा। तो Aurangzeb ने अपने पे ना ज़्यादा कोई building नहीं बनवाई, बन जो वाइफ थी क्या नाम था उनका रबिया है और कहा बनवाया था ये? औरंगाबाद में औरंगजेब ऑल्सो बिल्ड द बादशाही मस्जिद इन लाहौर और लाहौर में इन्होंने बादशाही मस्जिद का भी निर्माण करवाया था हुमायूं हैड टेकर इन टू हिज सर्विस टू मास्टर पेंटर जो हुमायूं थे उनको ना पेंटिंग्स का बहुत शौक़ था तो इसलिए उन्होंने अपने जो कोर्ट में जो मीर सैयद अली थे और जो अब्दुलसवाद थे ये दो काफ़ी मास्टर पेंटर्स थे इनको अपने कोर्ट में रखा था उसके बाद है दसवंत एंड बसावन बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर्स थे ये दोनों किसके कोर्ट में थे अकबर के कोर्ट में तो याद रखना है कि मीर सैयद अली और अब्दुलसमाद ये किसके कोर्ट में थे हुमायूं के मीर सैयद अली और अब्दुलसमाद वहीं अगर पूछे कोई कि दसवंत और बसावन ठीक है दोनों का नाम भी थोड़े मिलते से हैं ये दोनों फेमस पेंटर कहाँ पर थे अकबर के कोर्ट में थे अब देखते हैं आगे अब्दुल हसन एंड उस्ताद मंसूर और बिसन ये तीन फेमस पेंटर थे जो जहांगीर के कोर्ट में थे जो जहांगीर था उसको पेंटिंग करना भी आता था ये काफ़ी अच्छे पेंटर थे तो इनके कोर्ट में कौन थे अब्दुल हसन उस्ताद मंसूर और बिसन्दास डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए हम एक बार और रिपीट करेंगे कि जो मीर सैयद अली थे और अब्दुलसमाद ये दोनों कहा थे हुमायूं के कोर्ट में दसवंत और बसावन ये अकबर के कोर्ट में और अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर और बिसंदास ये तीनों फेमस पेंटर जहांगीर के कोर्ट में जहांगीर क्लेम डेट ही कुड डिस्टिंग्विश द तो वर्क ऑफ ईच आर्टिस्ट इन अ पिक्चर तो जहांगीर ऐसा क्लेम करता था मगर मतलब जो जहांगीर था वो बहुत अच्छा पेंटर था उसने अगर उसको एक पेंटिंग बनानी है ना या कोई पेंटिंग बनवानी है तो वो जैसे उस पेंटिंग के अंदर अगर कोई ह्यूमन भी है कोई बर्ड है और वहाँ पर कोई ट्री है तो वो तीनों चीज़ों के लिए ना अलग जो पेंटर्स होते थे उनको उनसे वो जो पेंटिंग थी वो बनवाते थे कि एक ऐसा स्पेशलिस्ट मतलब जिसे ना ट्री बनाना बहुत अच्छा आता हो एक कोई ऐसा जिसको बर्ड्स बनानी बहुत अच्छी आती हो तो इस तरह से वो क्लेम करते थे कि वो उनके काम को ना पहचान भी सकते हैं कि किसने क्या बनाया है ठीक है मतलब उनको इतनी ज़्यादा परख थी पेंटिंग्स की भी और जो पेंटर्स थे उनकी भी टाइटल गिवन बाय मुगल रूलर अब हम टाइटल के बारे में पढ़ेंगे और किसको कौन सा टाइटल दिया गया किस फील्ड से रिलेटेड थे वो और रूलर्स के नाम जैसे कि जो जगत गुरु का जो टाइटल है वो हरी विजय सूरी को दिया गया जैन रिलीजन से बिलोंग करते थे और रूलर कौन अकबर अकबर ने इनको ये नाम दिया था हरी विजय सूरी को क्या नाम दिया था जगत गुरु उसके बाद जरी कलाम ये नाम किसने कुछ को मिला था मोहम्मद हुसैन को लिटरेचर से बिलोंग करते थे और ये नाम भी अकबर ने ही इनको दिया था तो मोहम्मद हुसैन का नाम था जरी कलम उसके बाद ये इनके फेमस पेंटर थे अब्दुल संबाद अकबर के कोर्ट में ठीक है ना और लिटरेचर के फील्ड से भी बिलोंग करते थे इनको क्या नाम दिया था सरीन कलाम उसके बाद फैजी के बारे में पढ़ेंगे इनको टाइटल दिया गया था राजकवि ये भी लिटरेचर से बिलोंग करते थे और रूलर कौन थे जिन्होंने इनको ये टाइटल दिया था अकबर उसके बाद बीरबल ये तो हम सभी को पता है इनको क्या नाम दिया था कवि प्रिय लिटरेचर से बिलोंग करते थे और कौन से रूलर ने दिया था इनको ये टाइटल अकबर ने दिया था उसके बाद उस्ताद मंसूर उस्ताद मंसूर को क्या नाम दिया था नदीर उल असरा पेंटिंग से बिलोंग करते थे जहांगीर के कोर्ट में थे फिर है अब्दुल हसन इनको क्या दिया था नादिर उस जमान और पेंटिंग से बिलोंग करते थे और जहांगीर ने इनको ये टाइटल दिया था तो ये दोनों हम अभी हमने ऊपर भी पढ़े थे कि उनके काफ़ी फेमस पेंटर थे जहांगीर के ये दोनों का दो आप थोड़ा वापस थोड़ा सिंपल हो जाएगा नादिर नादिर अगर इस तरह से कोई टाइटल पूछा जाता है कि जो जहांगीर के कोर्ट में पेंटर्स थे उसके बाद है लाल खान म्यूज़िक से बिलोंग करते थे और शाहजहाँ के कोर्ट में थे और क्या टाइटल दिया था इनको गुना समुद्र उसके बाद कलीम लिटरेचर से बिलोंग करते थे शाहजहाँ ने इनको क्या टाइटल दिया था राजकवि उसके बाद लास्ट है सुंदरदास शाहजहां ने इनको क्या टाइटल दिया था महाकविराज महाकवि महा राय सॉरी ठीक है और लिटरेचर से बिलोंग करते थे इसमें जो काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा जा चुका है एक तो ये हरी विजय सूरी है इनका काफ़ी बार पूछा जा चुका बीरबल ठीक है तो ये दो तो काफ़ी फेमस है लेकिन हमें ये सारे मुझे लगता है कि इनमें से जो पेंटर्स हैं इनके तो हमें याद रखने चाहिए ठीक है क्यों, क्योंकि काफ़ी फेमस पेंटर थे इनके सबके अपने अपने कोर्ट के तो कुछ भी पूछा जा सकता है आगे देखते हैं उसके बाद है लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड अब इनके लिटरेचर के बारे में देखते हैं तुजुके बाबरी एक बुक थी ऑथर कौन थे इसके बाबर थे बाबर ने ख़ुद लिखा था तजु जो तुजुके बाबरी थी और क्या बताया था इसमें डिस्क्राइब मिलिट्री टैक्टिक्स एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग बाबर्स रीजन तो अपने टाइम की उनकी जो भी मिलिट्री के बारे में उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उनकी टेक्निक्स थी उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी उसके बारे में इन्होंने अपनी जो उनकी बुक थी उसमें इन्होंने लिखा था उसके बाद है कनाने ए हमायू ठीक है ना तो इसके ऑथर कौन थे जो खवन अमीर थे वो उसके ऑथर थे और इसमें इन्होंने जो हमायूँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था है ना फेस्टिविटीज़ थी बिल्डिंग वर्क था वो इनके टाइम का जो भी था इन्होंने सब बताया उसके बाद हमायूं नामा काफ़ी फेमस है सभी ने सुना होगा गुल बेगम इसमें इन्होंने बायोग्राफी बताई थी हमायूँ की ठीक है गुल बेगम थी जो वो हमायूँ की क्या थी सिस्टर थी इनकी अकबर नामा अकबर नामा किसने लिखा था अबुलफजल ने लिखा था बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हुमायूं नामा और अकबर नामा और साथ में जी तुजू के बाबरी है तो इसको किसने लिखा था अकबर नामा को अबुल फजल ने लिखा था और ये हिस्ट्री बताते हैं अकबर के टाइम की इसके अंदर उसके बाद है तबाकत ए अकबरी ठीक है ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने लिखा था अहमद बख्श ठीक है इन्होंने ये लिखा था उसके बाद है तुजू जहांगीरी वो जहांगीरी इसको जहांगीर ने लिखा था ठीक है जहांगीर ने खुद लिखा था इसको अपने अपने टाइम के बारे में ठीक है ना कि उसका जो रीजन था उसमें क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें चलती थी उसके बाद है इकबाल नामा ये जहांगीरी ये मोहम्मद खान ने लिखा था किस बारे में लिखा था जो जहांगीर के टाइम पीरियड के, के बारे में बताया था इन्होंने भी उसके बाद है चाह चमन ये लिखा था चंद्रपन बहान ब्राह्मण ने ठीक है ना और किसके बारे में बताया था जो शाहजहाँ के रूल के बारे में अब है आलमगीर नामा मुंशी मिर्जा मोहम्मद काजन ठीक है इन्होंने भी क्या कहा था औरंगजेब के टाइम के बारे में बताया था कि औरंगजेब का जो भी पहले दस ईयर का जो रूल था उसके बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर बताया उसके बाद है आलमगीर नामा हाँ उसी तो हमने तो 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 पढ़ लिया मासिर ए आलमगिरी ठीक है ये किसने लिखा था शाकी मुस्ताद खान ने लिखा था ठीक है और ऑफिशियल हिस्ट्री थी औरंगजेब के टाइम की इसमें भी आये अकबरी अबुल फजल ने लिखा था उसके बाद है मुंताक उल त्वार ये बदायू ने लिखा था ठीक है लास्ट में है त्वारिक है अल्फी मुल्ला दाऊद ने लिखा था और है ये नूरिया ए सुल्तानिया ये अब्दुल हक ने लिखा था इसमें भी थ्योरी थी मुग़ल टाइम पीरियड की तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शुरुआत में जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं जो के बाबरी था वो बाबर ने लिखा था जो कनान ए हमायूँ था वो जो खुंद आमिर थे उन्होंने लिखा था उसके बाद हमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था अकबर नामा अबुलफजल ने लिखा था तबाकत ए अकबरी ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद बख्श ने लिखा था तुजुके जहंगीर ए जहंगीर ने लिखा था और इकबाल नामा ये जहांगीर ये मोहम्मद खान ने लिखा था चाहार चमन चंद्र ब्राह्मण ने लिखा था और आलमगीर नामा ये मुण, जो मुंशी मिर्जा मोहम्मद काजिन थे उन्होंने लिखा था आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था और ये मासिर आलमगीरी शाकि मुस्ताद खान ने लिखा था जो मौन, ये मुन्त उल तवारीख है ये बदायू ने लिखा था तारीख़ अल्फी मुल्ला दाऊद ने लिखा था और नूरिया ए सुल्तानिया ये अब्दुल हक ने लिखा था हो सकता है मेरा पढ़ने में थोड़ा पढ़ने में इनको गलती हो गई हो तो आप नाम ध्यान रखना क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप बोल के बताओ ठीक है तो इस पर हमने क्या पढ़ा जो मुगल लिटरेचर थे उसके बारे में पढ़ा और आज हमने इसके कल्चर के बारे में पढ़ा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैंने सही नहीं बताया या आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में करके में कॉमेंट करके ज़रूर पूछें थैंक यू